नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन ये बहुत ही कॉमन है। एक रिसर्च के अनुसार मानसिक तनाव और चिंता को भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बताया गया है। जो लोग मानसिक तनाव में घिरे हुए जो व्यक्ति रहते हैं, वो अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते और उनके खाने पीने का समय निश्चित नहीं होता और उनकी ये आदत एक दिन कॉन्स्टिपेशन को जन्म दे देती है। कॉन्स्टिपेशन में मल ड्राई होकर आंतों में यानी इंटेस्टाइन में सड़ने लगता है और उसके वजह से गैस बनता है और फिर सिर दर्द होता है। अधिक दिनों तक अगर कब्ज बने रहे तो उससे गैस फॉर्म होकर वो हृदय पर हार्ट पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी कॉमन अमॉन्ग ऑल द पीपल्स। हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत से गुजरना पड़ता ही है। 90% रोगों का कारण कॉन्स्टिपेशन ही होता है। एक कहावत है जैसे कि हर रोग पेट सफा तो हर रोग दफा, और ये बिल्कुल सही भी है। तो कॉजेस क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, कारण क्या होते हैं? सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आरामदायी जीवन। अगर आपकी जीवन शैली बहुत ही आरामदायी हो फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है एक्सरसाइज की कमी के वजह से। अगर आप पानी कम पीते हो फिर भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कम खाने पर भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ डिसीजेस लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ और क्रॉनिक किडनी डिसीज़, इन रोगों के चलते हुए भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई मेडिसिन्स जैसे कि डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन्स होती है उनके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंटीबायोटिक की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो फिर भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन को हम रोक सकेंगे? तो पहला तो है पानी। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज़्यादा रहती है। सीजनल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके खाने में आपको बढ़ाना है। राजमा यानी बीन्स, राजमा बीन्स आपके खाने में आपको बढ़ाना है। राजमा एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का। ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी में भी फाइबर की मात्रा बहुत होती है, तो अलसी के सेवन से भी आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी आराम मिल सकता है। सुबह खाली पेट अगर गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिया जाए फिर भी कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। फ्रूट्स भी खाने चाहिए, फ्रूट्स की मात्रा अपने खाने में बढ़ानी चाहिए। फ्रूट्स कौन कौन से? ऑरेंजेस, पपया, पाइनएप्पल, एप्पल, कीवी, ये सब फ्रूट्स आपके, अनार, ये सब फ्रूट्स आपके खाने में आपको बढ़ाना है। एप्पल जो है वो छिलके के साथ खाना है क्योंकि छिलके में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। और पपया जो है वो इंटेस्टाइन को साफ करने में आपकी हेल्प करता है। तो चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ओर। कॉन्स्टिपेशन में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती है? अगर आपको कब्जियत की शिकायत हो, आपको आपका स्टूल पास ना होता हो, यानी आपको अर्जिंग तो हो लेकिन आपको यानी सेटिस्फैक्शन ना मिलता हो, तो इसकी टॉप ग्रेड मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंदा ले सकते हो। अगर आपको भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो, भयंकर कब्जियत हो, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो, तो इस कंडीशन में आप प्लम्बम मेटालिकम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप यूज़ कर सकते हो। अगर महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो तो आप सीपीआर 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रहे, प्रेगनेंसी में डॉक्टर के एडवाइस के बगैर आप मेडिसिन ना खाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बॉटल फेड बेबीज जो होते हैं उनमें अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो तो एल्यूमिना 30 और ब्रायोनिया 30 ये दोनों मेडिसिन सुबह और शाम 2-2 बूंद अगर आप बच्चे को देंगे तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलेगा।
अगर आपका स्टूल बहुत ड्राई हो और स्टूल के साथ साथ म्यूकस भी पास हो रहा हो और आप डेफिकेशन के टाइम यानी स्टूल पास करते टाइम आपको बहुत दर्द हो, बहुत पीड़ा हो और चुभन की फीलिंग हो, तो आप ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत काफ़ी सालों से हो यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो और साथ ही में आपके पेट में गैस बनता हो और आपका पेट फूला फूला रहता हो, तो आप इस कंडीशन में कोका मदर टिंचर की 15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है कॉन्स्टिपेशन में। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और साथ ही में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप हाइड्रेस्टिड 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसका नाम है सल्फर। सल्फर 1 mg पोटेंसी में आप दिन में हफ्ते में से 1 बार 3 खुराक अगर आप खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन में आप काफ़ी राहत पाओगे। इसके अलावा कई मेडिसिन से 30-35 मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन मैंने वही मेडिसिन आपके साथ शेयर की है जो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपका मैच करता हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।